Assalamu alaikum, dear students. This is Khurshid Ahmed Dar, senior lecturer botany, presently posted at Higher Secondary School Zuhama Chadura. तो जैसे आपको पता है कि आजकल तीसरी जो कोविड वेव है, कहने में सुनने में आ रहा है कि तीसरी वेव होगी, तो इसमें अगर हम पहले ही प्रिकॉशंस लेंगे, SOPs को फॉलो करेंगे, तो हम इस वेव से अपने आप को बचा सके, ताकि जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा. तो मेरी अब सब स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि आप इन कोविड SOPs को सही तरीके से फॉलो करें, यानी दो गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, एक सोशल डिस्टेंसिंग, या हम इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कह सकते हैं, और मास्क लगा के ज़्यादा गैदरिंग में ना जाए. अपने आप को इस COVID-19 से किसी भी तरह SOPs को फॉलो करके अपने आप को बचाए, और अपने स्टडीज़ की तरह भी थोड़ा ध्यान दें. तो बेटा, जैसे कि आपको पता है, आजकल हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास के लिए है ये टॉपिक, प्लांट वाटर रिलेशंस हमारा जो चैप्टर है, इसमें आज हमारा टॉपिक है प्लाज्मोलिसिस. ये प्लाज्मोलिसिस क्या है? जैसे कि आपको पता ही है, जो सेल्स होते हैं ये ऑस्मोटिक सिस्टम, इनको हम कंसिडर करते हैं. दीज सेल्स एक्ट एज ऑस्मोटिक सिस्टम्स, बिकॉज जो ये सेल्स होते हैं बेटा, इनमें ऑस्मोसिस होती है. खासकर जो प्लांट सेल्स है, जिनमें सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो एक बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है. तो ये जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्लांट सेल में है, इसकी वजह से प्लांट सेल्स में, या बैक्टीरिया भी है, फंजे भी है, इनके सेल्स में प्लाज्मोलिसिस होती है. तो प्लाज्मोलिसिस क्या है? ये प्लाज्मोलिसिस आज हम पढ़ने जा रहे हैं. अगर हम सेल्स का जो बिहेवियर देखेंगे, प्लांट सेल का बिहेवियर देखेंगे, जो प्लांट सेल में मूवमेंट होती है वाटर की, चाहे वाटर प्लांट सेल के अंदर जाएगा या प्लांट सेल के बाहर वाटर आएगा, ये जो है ये डिपेंड करता है प्लांट सेल के सराउंडिंग में कौन सा सॉल्यूशन है. क्योंकि पहले क्लासेस में आपको मैंने पढ़ाया है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. एक सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और तीसरा जो सॉल्यूशन हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सो ये डिपेंड करता है कि प्लांट सेल को हम किस सॉल्यूशन में डालेंगे. अगर हम प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, अगर हम प्लांट सेल को, से फॉर एग्जांपल, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, व्हाट विल हैपन टू दी सेल, इस सेल को वहां पर क्या हो जाएगा. मान लीजिए बेटा, आप ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम एक प्लांट सेल को डालेंगे, ठीक है, एक प्लांट सेल लेंगे हम, उसको यहां पर डालेंगे हम, दिस इज प्लांट सेल. तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो प्लांट, इस वाटर की मूवमेंट होती है, जितना अंदर जाता है उतना बाहर जाता है, या हम नेट मूवमेंट कहेंगे, नील, या कोई मूवमेंट नहीं होती, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, इसका ओपी और इसका ओपी बैलेंस है. ओपी मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, या ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी हम कहेंगे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहां पर दोनों का, इस सॉल्यूशन का और इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ये बैलेंस है. देयरफॉर देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है. ये तब होता है जब हम प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे. इसी तरह बेटा, ये तो पहला है. सेकंड, अगर हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, सेकंड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. मान लेंगे हम ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हम, दिस इज दिस टाइम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम एक प्लांट सेल को डालेंगे, जिस तरह यहां पर, इसी तरह यहां भी हम एक सेल को डालेंगे, ये सेल है, ठीक है, और यहां पर ये
सॉल्यूशन है, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन है शबाज? दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम अगर प्लांट सेल को डालेंगे तो यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे यहां पर क्या होगा। तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं बेटा, ये जो प्लांट सेल होती है, दिस सेल विल स्वेल अप, ये स्वेल हो जाती है, सेल स्वेल हो जाती है, इसको स्वेलिंग हो जाती है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में से वाटर जाता है इस सेल के अंदर, बहुत ज्यादा वाटर जाता है, जिस वाटर की वजह से इस सेल का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है और ये सेल स्वेल हो जाती है। या हम ये कहेंगे यहां पर क्यों हो गई ये मूवमेंट, क्योंकि जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल। देयरफॉर वाटर विल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, सो अगर प्लांट सेल को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहां नेट मूवमेंट जो है वो निल होगी, या हम ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा अंदर वाटर चला जाएगा उतना ही बाहर भी आएगा। तो लेकिन अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, वहां पर बहुत ज्यादा वाटर सेल के अंदर जाता है, यानी यहां पर क्या होगी, यहां पर बेटा एंडो ऑस्मोसिस होगी, एंडो ऑस्मोसिस यहां पर होगी। इस एंडो ऑस्मोसिस की वजह से जो सेल है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमारा तीसरा है, देयर इज थर्ड, और एक सॉल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर हम एक प्लांट सेल को, एक टर्जिड प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप बेटा ये यहां पर एक बीकर है, इस बीकर में हम सॉल्यूशन डालेंगे, इसमें सॉल्यूशन है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, या हम कहेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेटेड है, जिसको हम शाबाश, इसको हम, इस सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जो वाटर को गेन करता है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर हम एक सेल को डालेंगे, प्लांट सेल को डालेंगे यहां पर, ये लीजिए आप, ये है प्लांट सेल यहां, ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या देखते हैं हम, यहां पर जो ये सेल है, दिस इज सेल एंड दिस इज सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है ये शाबाश, इस वक्त हम डालते हैं सेल को हाइपरटोनिक, यहां पर है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यहां हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला। अब कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं, यहां जो सेल के अंदर सैप होता है, जो वाटर एंड मिनरल्स यहां सेल के अंदर है, टर्जिड प्लांट सेल के अंदर एक्सपेंडेड जो स्वेल्ड सेल है, इस सेल को हम इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहां बेटा सेल को वाटर लॉस होता है, यहां वाटर जाता है सेल में से, निकलता है और सॉल्यूशन में ऐड हो जाता है, यहां सॉल्यूशन को वाटर गेन हो गया है क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। जब यहां इस सेल को वाटर लॉस हो जाएगा, इसका सैप लॉस हो जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसकी जो इसका जो साइज है वो कम हो जाएगा, या इन शॉर्ट हम कहेंगे ये सेल जो है ये श्रिंक हो जाएगा, सेल विल अंडरगो, ये श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, सो
movement of water in plant cell, it depends upon the surrounding solution. जो surrounding solution है उस पर यह depend करता है, क्या ये जो cell है इसमें water gain होगा या इसमें water loss होगा, या तो ये gain नहीं करेगा या तो ये loss नहीं करेगा, ठीक है. So it depends upon the surrounding, शाबाश, what we called solution. यहाँ पर कोई जितना गेन होता है उतना लॉस भी होता है, या इन शॉर्ट हम कहेंगे कोई मूवमेंट नहीं होती है. यहाँ पर जो मूवमेंट होती है जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ सेल वाटर को गेन करती है, ठीक है. तो ये पहले ही आपको बताया क्यों होता है. फिर अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल डालेंगे, टर्जिड सेल को, तो वहाँ पर जो सेल होती है वो वाटर को लॉस करती है और उस सेल का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है. सो अगर अब हम इसी पॉइंट को आगे ले जाएंगे, ये जो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाला है, आगे हम दिखाएंगे आपको. जब यहां वाटर लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहां बेटा क्या होता है, यहां इस सेल का जो सेल वॉल है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ब्लू जो हम बना रहे हैं दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वाइट जो सेल का है दिस इज सेल वॉल, ठीक. एक सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला और यहां पर वाटर सेल से लॉस हो गया, ठीक है. अब जितना ये वाटर यहां से निकलेगा, जितना ये वाटर निकलेगा, इसका जो सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है, सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है, यानी जो सेल वॉल के अंदर बाकी मटेरियल है सेल के अंदर, वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर इस प्लांट सेल को लेंगे, ये प्लांट सेल है, ठीक, इसका सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लीजिए आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, येलो कलर ऑरेंज कलर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्योंकि प्लांट सेल का एक करैक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि इसमें एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, मान लीजिए आप ये वैक्यूल है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक. दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जब यहां से हम क्या देखते हैं, वाटर लॉस हो गया, वाटर लॉस हो गया, तो ये जो इसका प्रोटोप्लास्ट है ये अंदर श्रिंक हो जाता है, ये कंट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि लॉस हो गया वाटर, यहां से लॉस हो गया वाटर वैक्यूल से, ठीक है. क्योंकि जो सेल वॉल है, सेल वॉल थोड़ा रिजिड है, ये थिक है, ये हार्ड है, ये लेस इलास्टिक है, इट कैन नॉट कीप पेस विद दी व्हाट वी कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. जितना प्रोटोप्लाज्म कंट्रैक्ट होता है उतना ये सेल वॉल कंट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि सेल वॉल रिजिड है, सेल वॉल हार्ड है, सेल वॉल थिक है, सेल वॉल लेस इलास्टिक है. तो जो अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इट सेपरेट्स, इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम दी व्हाट वी कॉल्ड सेल वॉल. ये सेल वॉल से दूर चला जाता है, और जितना फिर लॉस हो जाएगा यहां से, जितना अगर हम इस सेल को हम कंटिन्यूअसली रखेंगे, किसमें, शाबाश, अगर इस सेल को हम बेटा कंटिन्यूअसली इसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ज्यादा ज्यादा वाटर लॉस होगा, जितना ज्यादा वाटर लॉस होगा उतना ज्यादा अंदर कंट्रैक्शन होगी, उतना ज्यादा अंदर श्रिंकेज हो जाएगी प्रोटोप्लास्ट की, और वो कंप्लीटली एक टाइम ऐसा भी होगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा सेल वॉल से, और ये बीच में स्फेरिकल शेप जैसी अटेन करेगी. यानी उस वक्त अगर हम इस सेल को देखेंगे, पहले तो इस सेल का जो साइज है वो कम हो जाएगा, मान लीजिए आप ये सेल जो है इस तरह सेल वॉल है, और इसका प्रोटोप्लास्ट बीच में जमा हो जाएगी लाइक दिस, इस तरह ये प्रोटोप्लास्ट है, अंदर इसके अंदर वैक्यूल होगा, छोटा सा वैक्यूल, क्योंकि इसमें जो सैप था वो लॉस हो गया, ठीक है. सो व्हाट हैपनेस ड्यूरिंग दिस, व्हेन वी प्लेस अ सेल इनटू अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
what will happen? The cell will lose water and ultimately jitna ye loss, bahut zyada loss karegi water, to usme finally kya ho jayega, iska jo protoplasm hai wo spherical shape attain karega aur chhota sa size hoga usko beech mein rahega. This plasma membrane will totally separate from the cell wall. Theek hai, kyunki jo abhi maine kaha jo cell wall hai, ye cell wall thoda what we call rigid hota hai, less elastic hota hai, इसमें इतनी ज्यादा कंट्रैक्शन नहीं होती है. सो ये विड्रा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अदरवाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के साथ होता है, बिल्कुल इसके साथ होता है, जिस तरह ये है. ठीक है, ये इसके साथ होता है. बिफोर प्लेसिंग द सेल इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल सेल वॉल के साथ होता है. लेकिन इसको क्या हो गया बेटा, जब हमने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, वाटर लॉस हो गया अंदर से, सैप लॉस हो गया, फिर वैक्यूल से भी लॉस हो गया, और अल्टीमेटली ये सेपरेट हो गया फ्रॉम व्हाट वी कॉल्ड सेल वॉल. तो इसी फिनोमेना को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. सो व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? प्लाज्मोलिसिस इज विड्रावल, इट इज सेपरेशन ऑफ व्हाट वी कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए प्लांट सेल फ्रॉम दी सेल वॉल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो अब इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको हम इसकी डेफिनेशन हम बताएंगे आपको. व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? प्लाज्मोलिसिस इज विड्रावल, प्लाज्मोलिसिस इज विड्रावल और सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए सेल फ्रॉम फ्रॉम इट्स सेल वॉल, फ्रॉम इट्स सेल वॉल. क्यों ये सेपरेट हो गया, क्यों ये हो गया? क्योंकि ये श्रिंक हो गया ड्यू टू विड्रावल, सेपरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए सेल फ्रॉम इट इज सेल वॉल ड्यू टू श्रिंकेज, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट या सेंट्रल वैक्यूल बिकॉज ऑफ एक्सओस्मोसिस, बिकॉज ऑफ एक्सओस्मोसिस बाय प्लेसिंग, बाय प्लेसिंग इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, जब हम एक टर्जिड प्लांट सेल को हाइपरटोनिक कंसंट्रेटेड या हाईली साल्ट शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे, तो उसको क्या हो जाता है, उसका जो प्रोटोप्लास्ट है, उसका प्रोटोप्लास्ट विड्रा हो जाता है. ठीक है, उसका प्रोटोप्लाज्म विड्रा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है सेल वॉल से, और वो श्रिंक हो जाता है बीच में. इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. सो प्लाज्मोलिसिस इज विड्रावल या सेपरेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्रोटो, सॉरी दिस इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म of a cell from its cell wall due to shrinkage of protoplasm. ये protoplasm shrink हो जाता है. क्यों हो जाता है shrink? Because of exosmosis. क्यों exosmosis हो जाती है protoplasm में? By placing in hypertonic solution. जब हम hypertonic solution में इसको डालेंगे तो ऐसा होता है. This is called as plasmolysis. Now,
प्लाज्मोलाइसिस अगर हम देखेंगे, चूंकि अब जो सेल होती है, प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल के अंदर जो ये सैप होता है, वाटर एंड मिनरल्स जो है, ये या तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और ज्यादातर प्लांट सेल्स में ये प्लांट वैक्यूल जो होता है, सेंट्रल वैक्यूल, उसके अंदर होता है। सो पहले जो लॉस हो जाता है प्लाज्मोलाइसिस, पहले साइटोप्लाज्म को होता है, बाद में सेंट्रल वैक्यूल से होता है। सो प्लाज्मोलाइसिस फर्स्ट occurs in cytoplasm followed by central vacuole, large central vacuole, फिर vacuole से होता है। ठीक है यहां तक? अब यह प्लाज्मोलाइसिस जो है, यहां पर भी वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। मैंने आपको कहा बेटा कि हम इस सॉल्यूशन में, ये मान लीजिए आप ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमने एक टर्जड सेल को डाला, जिसमें जिस प्लांट सेल में बहुत ज्यादा वाटर है, इसको हमने डाला, और ये बाहर सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में भी वाटर है, लेकिन वाटर के साथ साथ यहां सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। सो ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहां पर ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो यहां जो टर्जिड सेल है, टर्जिड सेल में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, देयरफॉर यहां एक्सोस्मोसिस हो जाती है, वाटर लॉस हो जाता है, इसका वाटर पोटेंशियल अंदर सेल में ज्यादा है, वाइल एज द वाटर पोटेंशियल ऑफ दिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज मोर नेगेटिव देन द सैप ऑफ सेल। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस वाटर मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, हाई वाटर पोटेंशियल टर्जिड सेल का होता है, वाइल जो सॉल्यूशन है इसका वाटर पोटेंशियल कम होता है। लेकिन अब अगर हम देखेंगे जो ये प्लाज्मोलाइसिस है, ये प्लाज्मोलाइसिस तीन स्टेप्स में, इट गेट्स कंप्लीटेड इन थ्री स्टेप्स, प्लाज्मोलाइसिस गेट्स कंप्लीटेड इन थ्री स्टेप्स, तीन स्टेप्स है इसके। नंबर वन, इट गेट्स कंप्लीटेड इन थ्री स्टेप्स, तीन स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। नंबर वन इज लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, नंबर वन इज लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, नंबर सेकेंड इज इंस्टेंट प्लाज्मोलाइसिस, नंबर थर्ड इज इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस गेट्स कंप्लीटेड इन थ्री स्टेप्स, पहला स्टेप है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, दूसरा है इंस्टेंट प्लाज्मोलाइसिस, और तीसरा है इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। तो पहले हम इसको देखेंगे, ये लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में अगर हम बेटा मान लेंगे ये एक प्लांट सेल है,
मान लीजिए आप दिस इज ए प्लांट सेल, ये फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। चूंकि प्लाज्मोलिसिस में अब आपको पता है कि इसमें एक्सोस्मोसिस होता है सेल को, लेकिन लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस में उतनी एक्सोस्मोसिस होती है, एक्सोस्मोसिस होती है, बहुत कम एक्सोस्मोसिस होती है लेकिन होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के साथ प्रेस नहीं होता है, उतना ज्यादा उसको प्रेस नहीं होता है, क्योंकि वाटर लॉस हो जाता है, वो अटैच होता है सेल वॉल के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के साथ अटैच होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि उतनी ज्यादा उसको प्रेस नहीं होता है, और वी कैन से दैट इट इन्वॉल्व्स द एक्सोस्मोसिस टू सच एन एक्सटेंट दैट प्रोटोप्लाज्म और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नो लॉन्गर प्रेस्ड विद द सेल वॉल। क्योंकि यहां पर क्या देखते हैं हम इंस्टेंट प्लाज्मोलिसिस में, यहां पर बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सेल वॉल के साथ अटैच हो जाता है लेकिन ये कंप्लीटली इसको प्रेस नहीं करता है, जिस तरह टर्जर सेल में होता है। यहां पर ये येलो जो है ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाया, ठीक है, ये मान लीजिए बाहर का जो है ये सेल वॉल है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, और अंदर होता है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। तो इस सेल को ये पहला स्टेप है लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, जब हम इस हाईली टर्जर सेल को डालेंगे किसमें, व्हाट वी कॉल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, थोड़ा सा वाटर लॉस होता है और उस वाटर लॉस से क्या होता है, कोई इविडेंट चेंज नहीं होती है इस सेल में। अगर हम देखेंगे तो इस सेल में उतनी ज्यादा चेंज हम नहीं देखते हैं क्योंकि बहुत कम वाटर लॉस होता है। उसे क्या हो जाता है, उसे ये हो जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म प्रेशर होता था किसके साथ, सेल वॉल के साथ, अब वो प्रेशर नहीं है, अब वो उसके साथ अटैच है लेकिन प्रेस नहीं करता है क्योंकि उसमें टर्जर प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है। क्योंकि अब यहां क्या होता है, यहां जो टर्जर प्रेशर है, टर्जर प्रेशर इस सेल का जो है वो इक्वल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इक्वल टू जीरो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो वी कैन से दैट लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज एक्सोस्मोसिस ऑकर्स टू सच एन एक्सटेंट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म इज नो लॉन्गर टाइटली प्रेस्ड विद द सेल वॉल, ठीक है। सो ये याद रखना है, यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटैच नहीं होता है ड्यूरिंग व्हाट वी कॉल इन व्हाट वी कॉल लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटैच नहीं होता है। इस पहली स्टेज को हम लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब दूसरा जो है, सेकेंड इज इंस्टेंट प्लाज्मोलिसिस, इंस्टेंट प्लाज्मोलिसिस। ये सेल है, ये इस वक्त ये सेल जो है ये प्लांट सेल इस वक्त हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है, ठीक है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है सेल, ठीक। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को क्या हो गया, पहले वाटर लॉस हो गया लेकिन बहुत ज्यादा वाटर लॉस नहीं हो गया, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसको हमने यहां डाला है। अब दूसरी स्टेज आ जाती है इसके बाद, अब दूसरी स्टेज है, दूसरी स्टेज में क्या होता है, दूसरी स्टेज में जब और वाटर लॉस होता है, और ज्यादा वाटर लॉस होगा, फिर क्या होता है, यहां फिर हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है,
फिर जो ये सेल है पर्ण सेल है, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जो सेल वॉल होता है सेल्स का पर्ण सेल्स का, ये थोड़ा रिजिड है, ये रिजिड होता है, लेस इलास्टिक होता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते। अब क्या होता है यहां पर, दूसरा स्टेप है ये, दूसरे स्टेप को हम बेटा शाबाश इंस्पेंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ये सेल है ये। अब क्या होगा यहां, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अब वो थोड़ा कंट्रैक्ट होता है सेपरेट होता है सेल वॉल से, ठीक। अब लेकिन कहां, एट कॉर्नर साले, ये मान लीजिए आप ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह ये कॉर्नर्स पे शाबाश सेपरेट होता है लाइक दिस। ये अब प्लांट सेल है, इसकी शेप होगी, बीच में वैक्यूल है और बाकी साइटोप्लाज्म वो साइड में चला जाता है, ये वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। तो इस स्टेज में, ये जो दूसरी स्टेज है बेटा, दूसरी स्टेज में हम क्या देखते हैं कि प्लांट सेल ने अब बहुत वाटर लॉस किया, ठीक है, वाटर लॉस हो गया, जिसकी वजह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये जो मैंने बनाया यहां पर, ये सेपरेट हो गया, लेकिन ये ज्यादातर सेपरेट हो गया शाबाश एट कॉर्नर्स, ठीक है। ये है यहां आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है बात सेल वॉल, ठीक है, ये है प्रोटोप्लाज्म, ठीक। इंसिपेंट प्लाज्मोलिसिस, ये सेकेंड स्टेज है प्लाज्मोलिसिस की, इन विच एक्सोस्मोसिस ऑकर्स टू सच एन एक्सटेंट दैट प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है, एंड गेट्स डिटैच्ड, ये प्रोटोप्लाज्म डिटैच हो जाता है सेल वॉल से, बट मोस्टली एट कॉर्नर्स, तो इसको हम इंसिपेंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है। देन देयर इज तीसरा है इविडेंट प्लाज्मोलिसिस, इविडेंट प्लाज्मोलिसिस। अब इविडेंट प्लाज्मोलिसिस में क्या हो जाता है, मान लीजिए यही सेल है, इसी सॉल्यूशन में है कंटिन्यूअसली, इसी पहली स्टेज इसने कवर की, दूसरी स्टेज भी इसने कवर की, अब तीसरी स्टेज आती है, यानी कंटिन्यूअसली अब अगर इस सेल को हम इसी सॉल्यूशन में रखेंगे, व्हाट विल हैपन, वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर मान लीजिए आप ये सेल वॉल है इसी सेल का, दिस इज सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल है सेल का। अब अगर हम इसी सेल को कंटिन्यूअसली, ये मान लीजिए सेल वॉल है, इस सेल को हम कॉन्टिन्यूअसली रखेंगे इसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, सेल वॉल है ये सेल का, इसी सेल को कॉन्टिन्यूअसली, यानी इंसिपेंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, इफ वी प्लेस दिस इंसिपेंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल continuously into the hypertonic solution, what will happen? शाबाश, वहां पर ज्यादा exosmosis होगी, और ज्यादा exosmosis होगी, जब और exosmosis होगी तो जो इसका protoplasm है that will get completely separate from the cell wall, वो पूरा shrink हो जाएगा और छोटी सी इसकी छोटा सा space occupy करेगा cell के अंदर, वो in the form of spherical shape उसकी होगी, ठीक है। यानी जब कंप्लीटली सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, यानी एक्सोस्मोसिस बहुत ज्यादा हो जाएगी सेल में, उस वक्त उस स्टेज को हम इविडेंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज इविडेंट प्लाज्मोलिसिस। सो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये कंप्लीटली श्रिंक हो जाएगा, इट विल अटेन ए स्फेरिकल शेप, एक पॉइंट पे या दो पॉइंट्स पे ये सेल वॉल के साथ होगा, बीच में या साइड में ये जमा हो जाएगी, दिस इज प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म है, बीच में इसका सेंट्रल वैक्यूल है, और यहां पर देखो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो
What is evident plasmolysis? Evident plasmolysis is the final stage of plasmolysis, during which exoosmosis occurs to such an extent that protoplasm gets completely separated from the cell wall. ये सेल वॉल से कंप्लीटली सेपरेट, ये एक या दो पॉइंट पे अटैच हो सकता है, ठीक है, तो ये श्रिंक, कंप्लीटली श्रिंक हो जाना, इसी को हम इविडेंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. और ये क्यों होता है? क्योंकि ये इसलिए होता है, हमने इस सेल को रखा है किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में. ये है बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है. So, if we place incipient plasmolyzed cell continuously in shabash hypertonic solution, क्या हो जाएगा? इसका जो protoplasm है वो completely shrink हो जाएगा, ठीक है, ये completely shrink हो जाएगा, separate हो जाएगा, ठीक. इस stage को हम evident plasmolysis कहते हैं. This is called as evident plasmolysis. अब evident plasmolysis में इसके बाद अगर हम, इसके बाद भी, यानी इविडेंट प्लाज्मोलिसिस के बाद भी अगर हम सेल को रखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो बेटा उस वक्त क्या होगा? दिस प्लांट सेल विल डाई. अब ये खत्म हो जाएगी. क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि जो इसके अंदर, इस सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनिल्स है वो डिफंग हो जाएगी, वो कंप्लीटली श्रिंक हो जाएगी, और जो अंदर मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होता इंक्रीज हो जाएगी, इसकी एंट्रोफी इंक्रीज हो जाएगी, डिसऑर्डर ज्यादा होगा, यानी सेल ऑर्गेनिल्स मेटाबॉलिज्म वगैरह पूरा डिफंग होगा, और इस सेल की इन शॉर्ट डेथ हो जाएगी. इस इविडेंट प्लाज्मोलिसिस के बाद हम सेल को अगर कंटिन्यूअसली रखेंगे तो ये शाबाश डेथ हो जाएगी. अब ड्यूरिंग इविडेंट प्लाज्मोलिसिस बेटा यहां पर एक स्पेस क्रिएट हो गई, ठीक है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, एक स्पेस सेल, जिस प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में ये स्पेस है, दिस इज द स्पेस, ये स्पेस है, ये स्पेस जो है, व्हाट विल हैपन टू दिस, यहां क्या होगा? ये जो स्पेस है, इस स्पेस में क्या होगा? ठीक है, तो इस स्पेस में बेटा वो सॉल्यूशन होगा जिस सॉल्यूशन में हमने इस सेल को डाला, ठीक है, हमने किस सॉल्यूशन में सेल को डाला है? शाबाश, हाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सो द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द कंट्रैक्टेड, शाबाश, प्रोटोप्लाज्म, इट विल बी ऑक्यूपाइड बाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसको कवर करेगा. इस विल बी ऑक्यूपाइड बाय द हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसको कवर करता है, ठीक है. सो अब अगर हम, मैंने कहा दो यहां पर पॉइंट्स आप याद रखेंगे, दो चीजें हो सकती है कि अगर हम इस सेल को कंटिन्यूअसली रखेंगे इस सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो मैंने कहा दिस सेल विल डाई. अगर इस सेल को हम इस वक्त कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल, दिस इज प्लाज्मोलाइज्ड. अगर हम फ्रेशली प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी इसमें अभी प्लाज्मोलिसिस हो गई, अब इसको हम उठाएंगे, हम इसको दूसरे सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है बेटा, इसको हम अब और एक सॉल्यूशन में डालेंगे. ये सॉल्यूशन इस वक्त, शाबाश, हाइपरटोनिक नहीं है. ये सॉल्यूशन जो है ये इस वक्त हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. This is hypotonic solution. ये hypotonic solution है. Hypotonic solution. If a freshly plasmolyzed cell, एक fresh plasmolyzed cell जो है, अगर बेटा हम इसको, इस फ्रेशली प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर हम उठाएंगे, इसको डालेंगे एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इस वक्त इस सॉल्यूशन में हम डालेंगे,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे इस सेल को हम, ठीक है। व्हाट विल हैपन, तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको यहां पर डालेंगे, इस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो यहां इस सेल का, इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉल्यूशन का ज्यादा है देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल, क्योंकि सेल जो है प्लाज्मोलाइज्ड सेल, उसका वाटर पोटेंशियल बहुत कम होता है, बहुत नेगेटिव होता है। तो हमने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, जब हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो वाटर सॉल्यूशन से सेल में चला जाता है, यहां इस तरह होगा, वाटर इज गेन्ड बाय द सेल। जब सेल वाटर गेन करेगी, सेल वाटर गेन करेगी तो ये सेल क्या होगा, इट विल स्वेल, इट विल स्वेल, ये स्वेल हो जाएगी और ये इसका जो ओरिजिनल शेप था, साइज था, वॉल्यूम था, वो अटेन करेगी, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिप्लाज्मोलिसिस, ठीक है। एक हो गया प्लाज्मोलिसिस, दूसरा है डिप्लाज्मोलिसिस, डिप्लाज्मोलिसिस, ठीक। डिप्लाज्मोलिसिस क्या होता है, डिप्लाज्मोलिसिस होता है, इट इज स्वेलिंग, डिप्लाज्मोलिसिस इज स्वेलिंग, इट इज स्वेलिंग ऑफ ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड डिप्लाज्मोलिसिस, यानी प्लाज्मोलाइज्ड, फ्रेशली प्लाज्मोलाइज्ड सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इट विल गेन वाटर, यानी यहां पर यह गेन वाटर करेगा और इस स्वेलिंग को, ये ओरिजिनल शेप अपना अटेन करेगी, इसको हम डिप्लाज्मोलिसिस कहेंगे, स्वेलिंग ऑफ ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों हो जाएगी स्वेलिंग, ड्यू टू, शाबाश, ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, इस वक्त एंडोऑस्मोसिस होगी, प्लाज्मोलिसिस में एक्सोऑस्मोसिस होती है, यहां पर एंडोऑस्मोसिस होती है, यहां श्रिंकेज होती है सेल, यहां पर बेटा स्वेलिंग होती है, यहां वॉल्यूम कम हो जाता है, साइज कम हो जाता है, यहां वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और इतना इंक्रीज हो जाएगा कि अंदर वाटर एब्जॉर्ब ये सेल करती है, गेन करती है, अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उसको हम बेटा पहले ही मैंने कहा है, उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और उस टर्गर प्रेशर से ये जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है ये एक्सटेंड हो जाएगा, इलांगेट हो जाएगा, क्योंकि जो सेल वॉल है वो रप्चर नहीं होता है इस टर्गर प्रेशर से, ठीक है। जो अंदर डेवलप हो गई ये सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म वगैरह जो स्वेलिंग हो गई, इसने गेन वाटर किया और प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, और ये सेल एक्सटेंड हो जाती है, ये सेल इलोंगेट हो जाती है, लेकिन सेल वॉल इसको जो बाहर से कवर करता है इस सेल को, वो रप्चर नहीं होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, रिजिड होता है। देयरफॉर दिस डिप्लाज्मोलिसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इलोंगेशन, इलोंगेशन एंड एक्सटेंशन, जो इलोंगेशन और एक्सटेंशन हम कहेंगे ग्रोथ होती है, elongation and extension growth जो होती है, that occurs due to diplasmolysis, ठीक है। Now what is the importance of this plasmolysis, यहां पर हम पहले बताएंगे आपको कि अगर plasmolyzed cell को हम शबाश hypotonic solution में डालेंगे तो उसको diplasmolysis होती है, यानी plasmolysis जो है ये plasmolysis reversible है, this is reversible, लेकिन वो जो plasmolysis है वो freshly cell को होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस, नंबर वन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्लाज्मोलिसिस की, प्लाज्मोलिसिस जो है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग if a
blood cell is living or dead. ठीक है, प्लाज्मोलिसिस से हमें पता चलता है कि ये जो सेल है क्या ये लिविंग है या ये डेड है, क्योंकि प्लाज्मोलिसिस डेड सेल में नहीं होता है। प्लाज्मोलिसिस के लिए जरूरी है सेल वॉल होना, प्लाज्मोलिसिस के लिए जरूरी है प्रोटोप्लाज्म का होना यानी एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस, ये सब जो प्रोसेसेस है इसके लिए प्लांट सेल का होना लिविंग होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर नहीं होगी ये प्लाज्मोलिसिस दैट मीन सेल इज डेड। ठीक, दूसरी जो इंपॉर्टेंस है प्लाज्मोलिसिस की, ये इसको हम यूज करते हैं इस प्लाज्मोलिसिस को फॉर डेड। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस से हमें पता चलता है कि ये जो सेल है क्या ये लिविंग है या ये डेड है, क्योंकि प्लाज्मोलिसिस डेड सेल में नहीं होता है। प्लाज्मोलिसिस के लिए जरूरी है सेल वॉल होना, प्लाज्मोलिसिस के लिए जरूरी है प्रोटोप्लाज्म का होना यानी एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस, ये सब जो प्रोसेसेस है इसके लिए प्लांट सेल का होना लिविंग होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर नहीं होगी ये प्लाज्मोलिसिस दैट मीन सेल इज डेड। ठीक, दूसरी जो इंपॉर्टेंस है प्लाज्मोलिसिस की, ये इसको हम यूज करते हैं इस प्लाज्मोलिसिस को, इट इज यूज्ड, घर में भी हम इसको यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू किल ग्रासेस एंड वीड्स इन आवर गार्डन्स। ठीक है, अगर हम बाहर से स्प्रिंग करेंगे शुगर सोल्यूशन, व्हाट वी कॉल्ड साल्ट सोल्यूशन, साल्टिंग करते हैं हम, ज्यादा नमक छेड़ते हैं बाहर ग्रासेस वासेस को, वीड्स को, उसे बाहर का जो मीडियम है वो हाईली हाइपरटोनिक बनता है और उसे क्या हो जाता है, उनको कंटिन्यूसली जब हम वो साल्टिंग करेंगे तो उन ग्रासेस की या उन वीड्स की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज यूज्ड टू कंट्रोल द वीड्स इन आवर व्हाट वी कॉल लॉन्स गार्डन्स वगैरह, इस प्लाज्मोलिसिस को हम यूज करते हैं। देन थर्ड इज जो ये इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस को हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं टू यू नो फॉर मेजरिंग ऑस्मोटिक व्हाट वी कॉल्ड पोटेंशियल, इट इज यूज्ड और वी कैन से इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस इज यूज्ड आर यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल इन द लेबॉरेटरी। लेबॉरेटरी में हम देखेंगे सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो उससे हमें ये प्लाज्मोलिसिस काम आती है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इसी तरह हमें पता चलता है इस प्लाज्मोलिसिस से, हमें यह भी पता चलता है और वी कैन से इट शोज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल। अगर हमें पता करना होगा कि क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है या परमेबल है, तो उसके लिए ये प्लाज्मोलिसिस यूज होती है। इसी तरह और एक इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंस है, दैट इज ये हम यूज करते हैं प्लाज्मोलिसिस को फॉर प्रिजर्वेशन, इट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ जैम्स या जेलीज या पिकल्स। ठीक है, घर में जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, या मीट हमें प्रिजर्व करना होगा, या हमें व्हाट वी कॉल्ड फिश को प्रिजर्व करना होगा, तो हम इसको बाहर से जो साल्ट डालते हैं उससे उसमें प्लाज्मोलिसिस हो जाती है और प्लाज्मोलिसिस से वो हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ जैम्स जेलीज पिकल्स मीट फिश वगैरह, इसको हम यहाँ प्रिजर्व कर सकते हैं। या प्लाज्मोलिसिस की और एक इंपॉर्टेंस है, इसको हम यूज करते हैं डिप्लाज्मोलिसिस को, प्लाज्मोलिसिस को हम यूज करते हैं फॉर नोइंग द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का
हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें मैंने आपको बताया जो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। तो प्लाज्मोलिसिस अभी मैंने कहा इट इज द विड्रावल, इट इज द सेपरेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए प्लांट सेल फ्रॉम इट्स सेल वॉल बिकॉज ऑफ एक्सोस्मोसिस। तो वो क्यों होती है? व्हेन प्लेस इन दी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसमें स्टेप्स भी मैंने आपको बताया और फिर मैंने आपको डिप्लाज्मोलिसिस बताया, जब एक फैशनी प्लाज्मोलाइजर सेल जो होती है अगर उसको हम वापस डालेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, वो वापस वाटर गेन करती है, वापस अपना साइज शेप वगैरह गेन करती है, तो उस प्रोसेस को उस वक्त हम व्हाट वी कॉल्ड डिप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और इसी तरह मैंने कहा जो स्पेस यहां बनती है दिस इज ऑक्यूपाइड बाय व्हाट वी कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और इसके बाद मैंने इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको 5-6 इंपॉर्टेंस भी बताए। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह होगी तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है दैट इज 8899697899। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू। मम्मी की चुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटी।